क्राइम 24 के सभी व्यूअर्स, पटना वासियों, बिहार वासियों और भारत वासियों को हम दीपावली प्रकाशोत्सव का एक अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय त्यौहार दीपोत्सव तथा छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पटना सिटी हाजीगंज स्थित DSS हाई स्कूल में धनतेरस के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतियोगिता को दिखाया। बच्चों को द्वारा बनाए गए रंगोली की सभी ने खूब प्रशंसा की। स्कूली छात्राओं ने मिट्टी के दीयों को रंगोली सजाते हुए यह संदेश दिया कि चाइनीज दीप और मोमबत्तियों के बदले स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। वहीं रंगोली प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। शिक्षकों ने बच्चों को इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित ढंग से त्यौहार मनाने और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखने के प्रति भी जागरूक किया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ दीपावली की बधाई दी। इस दौरान बच्चों के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। स्वर्ण रानी के साथ तृति रॉय की रिपोर्ट। और आज धनतेरस के दिन हमारे DSS हाई स्कूल में रंगोली कंपटीशन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक रंगोली दर्शाया गया और बच्चे का आगे भी DSS हाई स्कूल हाजीगंज पटना सिटी के तरफ से सारे पटनावासी और सारे भारतवासी को दीपावली और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे विद्यालय में निदेशक आशीष कुमार के द्वारा और उनके अनुसार बच्चों के द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाता हुआ आज हमारे स्कूल ने और उनके मेधावी हमारे स्कूल के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ यहाँ। और चतुर्थ वर्ग से नवम वर्ग तक के बच्चों ने बहुत ही उल्लासपूर्वक और उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना तो हमसे संपर्क करें। तीज टावर को संपर्क करना ना भूलें। गया पटना रोड अपोजिट JD गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर, गया, बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।